नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए सब कुछ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। दोस्तों, लास्ट वीडियो के एंड तक हम पहुंच गए थे टॉप ऑफ यूरोप जुंगफ्रा पर। टिकट बुक करते हुए आपको एक रेल पासपोर्ट मिला होगा। उस रेल पासपोर्ट के अंदर लेआउट प्लान निकालिए और इन अंडरग्राउंड टनल्स में अपना रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम वहां के एक एक स्पॉट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इन सुंदर नज़ारों के मजे लेने के लिए और बर्फ में उतरने के लिए आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, बट ये टनल्स इतनी नेचुरली और सुंदर तरीके से बनाई गई हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा। इस टूर का सबसे पहला अट्रैक्शन है जुंगफ्रा पैनोरमा, जो कि 4 मिनट्स में आपको एक 360 डिग्री सिनेमैटिक व्यू देगा स्विस एल्प्स और ग्लेशियर का, जो आप एक एंगल से या अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख पाएंगे। अब हम जाने वाले हैं स्विट्जरलैंड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट में, जो 27 सेकंड्स में हमें पहुंचा देगी स्पिंक्स ऑब्जर्वेटरी। अब बस इस टूर सिंबल को और क्राउड को फॉलो करते रहिए एंड एंजॉय द सीनिक ब्यूटी एंड क्लिक लॉट्स ऑफ पिक्चर्स। दोस्तों, ध्यान रखें, हमने आपको सजेस्ट किया है कि आप अर्ली मॉर्निंग इंटरलाकन से निकले जुंगफ्रा के लिए, सो दैट आपको क्लियर व्यूज मिल सके। अदरवाइज यहाँ पर इतने क्लाउड्स होते हैं कि आपको सामने तक का माउंटेन नहीं दिखाई देता। फाइनली ये स्पिंक्स ऑब्जर्वेटरी का टेरेस है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ तक पब्लिक को जाना अलाउड है। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्लियर और ब्यूटीफुल व्यूज मिलने वाले हैं। मौसम इतना प्लेजेंट और पीसफुल है कि मन करता है पूरे दिन यहीं बैठे रहो, पर हवा बहुत तेज़ चल रही है और हमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, तो यहाँ से जल्दी ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये है एलेस ग्लेशियर, जो कि एल्प्स का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है और अराउंड 23 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। ये केव है जिसको माउंटेन सीक्रेट कहा जाता है, बट किसी को नहीं पता कि इसका दूसरा रास्ता कहाँ निकलता है और कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता। आप देख सकते हो कि माउंटेन और ग्लेशियर्स के नीचे कितने सुंदर तरीके से इन टनल्स को बनाया गया है, वॉकिंग एस्केलेटर्स बनाए हैं, और राइट साइड पर जो पिक्चर्स हैं ये डिपिक्ट करता है जुंगफ्रा की हिस्ट्री। ये डेडिकेट किया गया है उन वर्कर्स को जिन्होंने इस रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन किया और ब्लास्ट के टाइम कुछ ने अपनी जान भी गंवाई।
इस हॉल को एल्पाइन सेंसेशन बोलते हैं बिकॉज हम अभी स्विट्जरलैंड के जिस एरिया में हैं इस रीजन को एल्पाइन रीजन बोलते हैं और ये सिग्निफाई करता है कि जुंगफ्रॉ की ब्यूटी और वहाँ से इंक्रीज हुए टूरिज्म की वजह से ये एरिया कितना प्रॉस्परस हो गया है। अभी हम आ गए हैं सेकंड हॉल में जहाँ पे गियर जेलर का एक स्टैचू है। ही इज द मैन बिहाइंड द डिजाइन कंसेप्ट ऑफ जुंगफ्रॉ। नाउ वी आर गोइंग टू द आइस पैलेस। यहाँ पर बहुत ठंडा था, लाइक यू कैन सी यहाँ पे फ्लोर्स पे भी आइस है, वॉल्स पे भी आइस है और हर जगह आइस ही आइस है। मेरी तो हालत टाइट हो गई थी बट मज़ा भी बहुत आ रहा था। यहाँ पर आइस से रिमार्केबल स्कल्पचर्स बनाए गए हैं और हमने बाद में स्टडी किया कि इस टेम्परेचर को -3 degrees पर मेंटेन किया जाता है वरना ये सब मेल्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का और हमारी स्विट्जरलैंड ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग पार्ट बाकी है। हम जाने वाले हैं बाहर ग्लेशियर प्लेट्यू पर और एंजॉय करने वाले हैं स्नो को। Splash!